जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जय कुमार और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब रजिस्ट्री के साथ खुद ही हो जाएगा म्यूटेशन, इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी सुविधा यह निकल कर आई है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर यह निर्देश दिया गया कि अब दाखिल खारिज के लिए अलग से नहीं देने होंगे कोई आवेदन, और जब ही ज़मीन जाएंगे रजिस्ट्री कराने उसी समय हो जाएगा ज़मीन का म्यूटेशन। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जानकारी दी गई है म्यूटेशन को लेकर, और इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, और साथ में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का भी बटन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो भी इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या दिया है खा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी सुविधा, दाखिल खारिज के लिए अब नहीं देने होंगे अलग से कोई आवेदन, और अब रजिस्ट्री के साथ ही खुद हो जाएगा म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज को लेकर लोगों को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार अब खुद ही इस काम को करेगी। अब किसी को दाखिल खारिज के लिए आवेदन भी नहीं करना पड़ेगा, चाहे मकान हो, दुकान हो, फ्लैट हो, खेत हो, जमीन आदि की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। निबंधन एवं राजस्व विभाग इसी महीने से सुओ मोटो म्यूटेशन की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। इसका नाम रखा गया है सुओ मोटो म्यूटेशन की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। यही नहीं, अंचल या अन्य अधिकारी अब पहले के आवेदन को लटकाकर यहाँ पर जो है बाद वाले को डिस्पोजल नहीं कर पाएंगे। मतलब पहले वाला का जो है आवेदन लटकाकर रखते थे और जो लास्ट में आते थे उनको डिस्पोजल कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिसकी रजिस्ट्री पहले होगी उसका म्यूटेशन भी पहले ही करना होगा। हालांकि पुराने दस्तावेजों के म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन की सुविधा वर्तमान की तरह जारी रहेगी। जो पुराने दस्तावेज हैं उनका म्यूटेशन अभी भी उसी प्रकार रहेगा जैसे पहले था। राजस्व अधिकारियों के झोले में राजस्व का कोई दस्तावेज नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्व अधिकारियों के झोले में राजस्व का कोई दस्तावेज नहीं रहेगा। सभी दस्तावेज ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ज़मीन के म्यूटेशन अब टेंशन नहीं, सरकार अपने आप कराएगी। मतलब ज़मीन का जो दाखिल खारिज है अब टेंशन नहीं होगा दाखिल खारिज करवाने के लिए, सरकार इसे स्वयं कराएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, दूसरा जो यहाँ पर बिग अपडेट निकल कर आया है, ज़मीन की रजिस्ट्री होते ही डीड ऑनलाइन सीओ के पास चला जाएगा। और इसके बाद तीसरा नंबर, बिना आवेदन किए म्यूटेशन की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा यह मतलब अच्छा निर्णय लिया गया राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि म्यूटेशन कराने के लिए बहुत अधिक दिन लगते थे, बहुत समय भी खर्च होता था, बहुत आपको जो है यहाँ पर समय की बर्बादी होती थी, तब भी जो है म्यूटेशन नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो आदमी ज़मीन खरीदेंगे उनका म्यूटेशन ऑनलाइन ही साथ हो जाएगा। इससे बढ़कर बहुत बड़ी खुशखबरी यह निकल कर सामने आएंगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 1.5 लाख म्यूटेशन के प्रतिमा आवेदन आ रहे थे 95। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, 9,51,196 म्यूटेशन के लंबित मामले अभी तक हैं, और 31,025 जो आवेदन है परिमार्जन पोर्टल पर अस्वीकृत केस हैं, और 1,15,00,000 होल्डिंग रसीद सालाना यहाँ पर जो है यहाँ पर कट रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस निर्णय से समाप्त होंगे भूमि विवाद के मामले। जी हाँ दोस्तों, भूमि विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सॉफ्टवेयर की मदद से 7 दिनों के अंदर निबंधन और अंचल कार्यालय को ऑनलाइन जोड़ दिया जाएगा। जमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए रायत की ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं रहेगी। जमीन की रजिस्ट्री होते ही डीड मतलब दस्तावेज PDF फॉर्मेट में अंचल अधिकारी के लॉगिन मतलब उसके सर्वर, उसके वेबसाइट जो उसका लॉगिन पेज है वहाँ पर चला जाएगा। CEO तुरंत ही म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अपर मुख्य सचिव राजस्व विवेक कुमार सिंह और निबंधन विभाग के SES अमीर सुभावनी ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को इसकी रिपोर्ट दे दी है। दोनों विभागों की तैयारी पूरी हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के SES 1 हफ्ते में इसको लॉन्च करने की तारीख निर्धारित कर देंगे। 1 महीने के अंदर यह सुविधा बिहार के लोगों को मिलने लगेगी। अभी लोगों को म्यूटेशन के लिए रजिस्ट्री कराने के बाद
डीड की फोटोकॉपी लगाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, तब जाकर दाखिल खारिज होती है। जी हाँ दोस्तों, तो यही जानकारी यहाँ पर आपके सामने हमको देनी थी कि आप किस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जमीन जो लोग नए खरीदेंगे वहाँ पर जो है उसको काफ़ी सारे समय का बचत होगा और काफ़ी सारे पैसों की भी बचत होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पंजीकार 2 को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन उसमें कोई एंट्री सही नहीं है। इसके दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए ये दस्तावेज मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में एक अलमीरा में रहेंगे। अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह के अनुरोध पर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शनिवार को सभी DM को इस संबंध में निर्देश भी दे दिए हैं। राजस्व कर्मचारी को सुधार के लिए किसी भी दस्तावेज की जरूरत होगी तो उसे अंचलाधिकारी से इजाजत लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो है आवेदन का जो सत्यापन होगा, पहले आओ पहले पाओ व्यवस्था लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था में जिसकी रजिस्ट्री पहले होगी उसका म्यूटेशन भी पहले होगा, अर्थात उसका दाखिल खारिज भी पहले होगा। अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विवेक कुमार सिंह ने बताया कि अब म्यूटेशन में फिटो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत म्यूटेशन का जो केस पहले आयोग आएगा, अभी जो है इसके तहत म्यूटेशन का जो केस पहले आएगा उसका निपटारा पहले ही करना होगा। अधिकारी पहले मामले को लंबित रखकर बाद के मामले को डिस्पोजल नहीं कर सकेंगे। कोई ऐसा करना चाहेगा तो सॉफ्टवेयर ऐसी इजाज़त नहीं देगा। रजिस्टर 2 में भी पुराने की जगह नए खरीदार का नाम दर्ज हो जाएगा। यदि कोई प्रॉपर्टी पूरी नहीं बिकती, उसका कुछ हिस्सा की रजिस्ट्री होती है, तो खरीदार का नाम उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार के रूप में दर्ज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यही जानकारी आप लोगों को देनी थी, और अब आपके सामने यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी सुविधा आ चुकी है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत बड़ा यहाँ पर निर्णायक काम लिया गया, क्योंकि म्यूटेशन कराने में बहुत पैसे समय और आपको बहुत सारे चीज़ों की यहाँ पर समस्या हो रही थी, तब भी म्यूटेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सरकार के द्वारा ऐसी सुविधा कर दी गई है, ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया गया है, ऐसा सिस्टम लाया गया है कि अब जब भी रजिस्ट्री कराने के लिए कोई आदमी रजिस्ट्री ऑफिस जाएगा उसी टाइम में आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरी तरह देखे होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा यहाँ पर डॉट क्लियर हो चुका होगा। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अंत में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।